तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 4, केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर अपने मतलब बेसिक में आता है, इनऑर्गेनिक के बेसिक में आता है चैप्टर, तो इसलिए अपने को सबसे पहले इसको करना ज़रूरी है। तो अपन पढ़ेंगे इसमें कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग की अपने पास डेफिनेशन है, द अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड वेरियस एटम आयन टूगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज आर कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। मतलब कि दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, उनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो उनकी वो होती है न्यूक्ली अट्रैक्शन फोर्स, वो वेरियस एटम और आयन को एक साथ जोड़ के रखती है किसी केमिकल स्पीशीज में, उसी को अपन केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। आपको आगे समझ आएगा। अपन पहले इस पे पढ़ते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पहले अपन पढ़ते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे अपन करते हैं, अपने पास एग्जाम्पल है Li, Be, Bc, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जैसे अपने पास इसके होते हैं, अपने पास अपने को पता है इसमें होता है 3 इलेक्ट्रॉन, जो 1s2 में चल जाता है और 2s1 में चल जाता है। तो ये तो अपने स्टेबल है, तो अपने 2s1 वाला एक बचा, तो एक ये यहाँ आ गया। ऐसे PE में देखते हैं तो इसमें होता है 4, तो इसमें जाता है 1s2 2s2, तो ये तो स्टेबल है। फिर इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 8, तो ये 2 बच गए, तो ऐसे 2 हो गए। इसमें कितना है 5, तो ऐसे इसका कितना हो गया 1s2 2s2 2p1, इसमें कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो इधर आ गए 1 2 3। ऐसे इसमें देखते हैं इसमें कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गए 1s2 2s2 2p2, कितना आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो इधर आ गए 1 2 3 4। ऐसे इसमें कितने होते हैं 7, तो इसका क्या हो गया 1s2 2s2 2p3, इसमें कितना आ गए 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ऐसे ऑक्सीजन में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में आता है 7 इलेक्ट्रॉन, और नियॉन में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर है कि अपने को किसी भी एटम पे कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो शो करना है। तो अपन कैसे करेंगे, तो मतलब अपने को दे रखा था नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये तो स्टेबल होगा, ये 5 है, तो अपन को अपन ने इसको 5 डॉट बना के शो कर दिया कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे अब अपन आगे ऐसे अब अपन आगे करते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है, कि अपने जो ये बॉन्ड बने इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको करते हैं अपना। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ओनली आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन ये चीज़ अपने को कह रही है कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब मैंने आपको बताया था अभी, जैसे नाइट्रोजन में 7 है, तो फॉर्मेशन करता है तब वो किसी और के साथ अटैच होता है, तो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्ट करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में। और यही चीज़ ये लाइन कह रही है अपने। मैं कैमरे को एक मिनट थोड़ा सेट कर देता हूँ ढंग से। हाँ, हो गया। तो जैसे अब अपने पहला रूल आता है इसका, किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले ले। अब अपने पहला रूल आता है जो अपने को पढ़ना है,
वो है ऑक्टेट रूल जो 1916 में आया था किसके थ्रू, कोसेल एंड लुइस के थ्रू। तो ये अपने को क्या कहता है, ऑक्टेट रूल क्या कहता है? एटम कैन कॉम्बाइन बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनादर और बाय शेयरिंग ऑफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड दे ऑब्टेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड बिकम स्टेबल। अपने को कॉसल एंड लुईस मतलब ऑक्टेट रूल कह रहा है कि एटम जब कॉम्बाइन होते हैं, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो वन एटम टू अनदर, और चाहे वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो, वो अपने ट्रांसफ़र करेंगे। मान लो किसी के पास 287 है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है 281, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे 28 करके वो अपनी स्टेबिलिटी पूरी कर ले। और यही ये रूल कह रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑब्टेंड 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड बिकम स्टेबल। तो आपके समझ आया? तो अपन आगे चलते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। जैसे अपने पास सीएल है, उसमें इसका भी 17 होता है, इसका भी 17 होता है, तो इसमें होता है 287, इसमें भी होता है 287, तो इसका क्या होता है? मतलब 2 और 8 तो स्टेबल है, 7 बचे, मैंने 7 डॉट बता दिए। इसके भी 7 बचे, तो मैंने इसके भी 7 डॉट बना दिए। तो अब ये कैसे करते हैं अपना ऑक्टेट पूरा, मतलब ये हो गया पूरा, इससे इनने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया। जैसे ये क्या कर लिए, ये हो गया अपना शेयर्ड पेयर। इसको अपन एक चीज और बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये जो जो पार्ट नहीं करे शेयरिंग में, इनको बोलते हैं अपन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। और जैसे ये अपना पहला एग्जाम्पल था, मैं दूसरा लेता हूँ। ऐसे मेरे को दे रखा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब एन ए मतलब सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन बोल दिया मैं। इसका होता है 2, 8 और 1, तो ये क्या करेगा, एन ए प्लस बना देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिससे स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कैटायन हो जाएगा 2, 8। और अपन ने अभी लिया था क्लोरीन का एग्जाम्पल, इसका कितना होता है 287, जो इसने छोड़ा वही ये गेन कर लेगा, और क्या हो जाएगा 288 क्लोरीन माइनस एन एन में बन जाएगा ये। समझ में आया आपको? स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो कोई तो ले ले इसका। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे अपन एक इन इसी का यही करते हैं, जैसे फिर एन ए प्लस और सी एल माइनस, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं अपने पास, एन ए सी एल सॉल्ट। ठीक है, अब अपना लिमिटेशन अपन ने वो पढ़ा ऑक्टेट रूल, अब उसकी कुछ लिमिटेशन थी वो पढ़ते हैं अपन। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल पहली क्या थी, पहली थी इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। जैसे अपन ये देखते हैं ए एल आई सी एल,
ऐसे LI में आपको बताया था मैंने, तीन होते, तो एक दो तो वो हो जाता है वैलेंस में, मतलब वैलेंस, और एक ही अपने किसी से पार्ट नहीं लेता मतलब कि, तो ये अपने छः हो गया। तो ये CL का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, पर अपने लिथियम का नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं अपन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और दूसरा होता है एक्सपेंड ऑक्टेट ऑफ द सेंटर, एक्सपेंड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, जैसे मैं देखते हैं इसमें PCl5 का PCl इधर भी सी। अब इसके में कितने होता है, सात होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी के अपने पास 10 वो हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक्सपेंड इलेक्ट्रॉन मतलब अपने पास 8 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, पर कम नहीं हो सकते। तो अपना इसमें वैलेंसी का फर्स्ट रूल आता है, रूल आता है अपने एक वैलेंसी का, वो कहता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, सल्फर हमेशा 6 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन हमेशा 7 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 4 बॉन्ड भी बना सकता है, और सिलिकॉन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, और फॉस्फोरस हमेशा 5 बॉन्ड बनाएगा। ये अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना इस चीज़ को। यहाँ तक समझ में आया सबको? चलें आगे, अपन आगे चलते हैं। आगे चलता हो जैसे अपने काम आएगा, एक चीज़ होती है क्यू, तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। बॉन्ड पेयर अपने होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और इसमें लोन पेयर कैसे निकालते हैं अपन पता है आपको, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिया H2, तो इसमें क्यू कितना हो गया, इसका कितना होता है, वन वन इंटू टू हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। H हमेशा H लीनियर बॉन्ड बनाता है, तो इसमें बॉन्ड पेयर हो गए अपने 2 और लोन पेयर हो गए 0, ये बन गया। दूसरा बनाता हूँ O2 का, O2 में क्यू कितने होते हैं, इसमें वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कितने होते हैं इसमें, ऑक्सीजन उन्होंने बताया था आपको 2 बॉन्ड बनाता है, तो हो गया 4, तो लोन पेयर हो गए इसमें 8। देखो ऑक्सीजन बनाया 2 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी देखो पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अब दोनों के वैलेंस शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अपने को यही बोल रहा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसके मैं अब आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, वो भी अपन करेंगे। तीसरा एग्जांपल है अपना N2 का। तो जैसे इसमें क्यू कितना होता है, इसमें 5 होते हैं, 5 इंटू 2 कितना होता है, ये 10 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर मैंने बताया था आपको 3 और 4 हो सकते हैं, तो इसमें कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और लोन पे कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे बन गया 3 N 1 2 3, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों ने अपना अपना वैलेंस शेल में मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, तो इनका ऑक्टेट पूरा हो गया है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अभी तक किसी को प्रॉब्लम हो कुछ तो कमेंट कर दो, अपन और इसका एग्जांपल देखते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा हार्ड देखेंगे, चौथा हार्ड देखेंगे CH4। अगर गाइस आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हो गाड़ी वाड़ी चलने की, तो इग्नोर करना। सी में कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, 4, और 4 या हाइड्रोजन है तो हो गया 4, ये कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पर सी कितने बनाता है, बॉन्ड पर 4, तो वो भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, लोन पर आ गए 0, तो ये कैसा हो गया CH
एच ऐसे पांचवा करते हैं CCl4, तो इसमें क्यों कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय Cl में कितने होते हैं 287, 2 और 8 तो बैलेंस हो गए, और उत्तर उसमें कितने बचे 7, तो 7 × 4 तो ये कितना गया 32 इलेक्ट्रॉन। पॉइंट पर कितने होते हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बनाता है ये सी। लोन पर कितना होगा 24 इलेक्ट्रॉन, तो इसका करते हैं सी Cl। इसके पास कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी होगा 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी होगा 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी होगा 6 इलेक्ट्रॉन। देख लो सबने अपना अपना ऑक्टेट में, सबने अपने अपने वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक हीरा एक हीरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही कह रहा था अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला, कि अपन किसी भी अपने को मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसका फार्मूला कैसे बनाए, ये अपने इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है, तो इन सब चीज़ों को करना ज़रूरी है। तो अब अपन पढ़ेंगे कि मान लो अगर इस पे माइनस प्लस चार्ज दे रखा हो तो इसके भी रूल होते हैं। फर्स्ट रूल है इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम, मतलब कि अगर किसी भी अपने को किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में अपने को प्लस चार्ज दे रखा है तो वो हमेशा सेंट्रल एटम पे ही होगा, और ऐसे ही अगर अपने को इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर इट विल बी ऑन कॉर्नर एटम, ऐसे इसमें हो गया NO3-1, SO4-2, CO3-2, ऐसे। तो अपन करते हैं पहला एग्जांपल NH4, ये क्या होता है अपने अमोनियम आयन, तो इसमें क्यों क्या हो गया, इसके हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस है तो माइनस हो जाता है -1, तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कितने हो गए मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर कितने आ गए 8 - 8 0, तो ये ऐसे बनेगा एन प्लस, इधर आ जाएगा एच 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 अपना मतलब ऑक्टेट कभी पूरा नहीं करता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का किस्सा अलग ही चलता है। और हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज जो वो बीच के एटम पे आ गए, अब ऐसे दूसरा करते हैं, दूसरा करते हैं अपन H3O, ये क्या होता है हाइड्रोनियम आयन, इसमें क्यों कितना होता है 3 × 1 + 6 - इधर -1, तो ये कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। पॉइंट पर कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पर कितने हो गए 8 - 6 = 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया अपने ओ एच एच, ये +1 है गाइस एच, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो इधर आ जाएंगे, और ये प्लस मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं करता, पर ऑक्सीजन तो करता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसके ऑक्टेट पूरा। यहाँ तक समझ आया सबको, चलें नेक्स्ट पेज पे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना। अब अपन देखते हैं कि अपने को ये जो दे रखा था माइनस प्लस चार्ज, अगर अपने को निकालना है कि हर एक आइटम पे कि क्या चार्ज दे रखा है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है फॉर्मल चार्ज इजिकल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन
माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टू। तो इसको मैं करता हूँ, मान लो अपने को ये अपने को फार्मूला होता है और अपन इसका एग्जांपल से करते हैं। मैं को दे रखा मान लो Pu4-3, इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉस्फेट आयन। तो इसमें क्यों कितना हो गया, पी में 15 होता है, उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है फॉस्फोरस का, तो 2 और 8 तो अपने बैलेंस हो गया। तो उसमें कितने बचे, 5 प्लस ओ का 6 होता है, तो 24 प्लस 3 ये होगा 32 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर में कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने बार बनाता है, 4, 8 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर में कितने हो गए, 32-8 24 इलेक्ट्रॉन। पी तो 10 बॉन्ड बनाता है ना, तो 10 हो गए, और ये 10 तो 22 हो गए। पी के करते हैं अपन, ओ 5 बॉन्ड बनाता है तो कहीं पे भी डबल बना लेगा ये, तो इसमें होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस पर माइनस चार्ज रखा है ना, -3, तो यहाँ क्या माइनस। अब मैं कोई -3 चार्ज निकालना है कि किस किस पे, ऑक्सीजन पे है वो या फॉस्फरस पे, तो मैं इसको मान लूँगा फर्स्ट, इसको मान लूँगा सेकंड, इसको मान लूँगा थर्ड, इसको मान लूँगा फोर्थ, और इसको मान लूँगा फिफ्थ। मैं फॉर्मल चार्ज निकालूँगा ना, तो वो कैसे निकालूँगा आप देखना, फॉर्मल चार्ज ऑन O1 वो कितना गया, 6 माइनस लोन पर कितने हैं O1 में, 1 2 3 4 5 6 6, बॉन्ड पर कितने इसमें, 2, 1 2 2 बाय 2, तो इसका कितना गया, -1। फॉर्मल चार्ज ऑन वो सेकंड निकालता है, इसमें कितने हैं, 6 माइनस लोन पर कितने, 4-4/2, 2 आ गया, तो इसमें 0 आ गए। ऐसे ही फॉर्मल चार्ज ऑन O3 निकालता है, इसमें क्या हो गया, 6-6-2/2, -1 हो गया। ऐसे ही फॉर्मल चार्ज ऑन O4 निकालता है, ये क्या हो गया, 6-6-2/2, इसमें भी आ गया -1। अब फॉर्मल चार्ज ऑन पी निकालता है, तो ये आ गया 5-0-10/2, ये भी 0 आ गया। तो आपको आपको आपने सीख लिया कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, कि कुछ भी अपने को कंपाउंड दे रखा हो तो उसमें माइनस चार्ज दे रखा हो, -3 दे रखा था, तो इसमें -1 इधर आ गया, देख सकते, चेक भी कर सकते हैं आप, -1 ही आ गया, तो हो गया ना -3, तो ऐसा आप चेक भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन यही इतना ही पढ़ेंगे, और अगले अपन कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे आयोनिक बॉन्ड बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल में, उनकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, साइज ऑफ आयन क्या होते हैं, चार्ज ऑन आयन क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ओवरलैपिंग डायग्राम, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर बॉन्ड फार्मूला, ये सब अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसलिए आज आप इतना करिएगा, और इसके कुछ एग्जांपल्स कर देखना, बुक में एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, वो करिएगा, और जो कुछ नहीं आया वो मेरे को कमेंट करके बताएगा, मैं उसको वापस समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।